नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। एक संदिग्ध हालातों में घर से लापता हुए मासूम को पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए बरामद कर लिया और उसे परिजनों के हवाले कर दिया। बताया जाता है बच्चे को कोई अज्ञात युवक अपने साथ ले जा रहा था, पुलिस को देख वह बच्चे को छोड़कर भाग गया। जानकारी के अनुसार फूलमती देवी मंदिर के निकट रहने वाले संतोष कुमार यादव का 4 वर्षीय पुत्र राहुल शुक्रवार की सुबह तकरीबन 10 बजे घर के बाहर खेल रहा था, तभी कोई अज्ञात युवक अपहरण की मंशा से उसे अपने साथ ले गया। काफी देर तक जब राहुल घर नहीं पहुंचा तो परिवारी जनों को उसके चिंता हुई और राहुल की तलाश में इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। अंत में परिजनों ने मामले की सूचना चौकी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस टीम ने राहुल की तलाश शुरू कर दी। इधर सरायमीरा जीटी रोड स्थित गैस एजेंसी क्रॉसिंग के निकट अपहरणकर्ता पुलिस को देख भयभीत हो गया और बच्चे को वहीं छोड़कर भाग गया। संदिग्ध हालातों में बच्चे को रोते बिलखते देख पीआरबी चंदन कुमार ने गोद में उठा लिया और उसकी पहचान करने का प्रयास किया। दहशत के चलते मासूम राहुल ने कुछ भी नहीं बताया, जिसके बाद पुलिस ने उसे कोतवाली पहुंचा दिया। इधर परिवारीजन भी कोतवाली पहुंच गए, पुलिस ने बच्चे को परिजनों के हवाले कर दिया। काफी देर से गायब अपने जिगर के टुकड़े को सही सलामत पाकर परिजनों ने पुलिस टीम की जमकर प्रशंसा की और शुक्रिया अदा किया। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24।